श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने बीडीओ स्वर्गाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीडीओ पंचायतों में जाकर प्रधानों को डरा धमका रही है और रेत बजरी पत्थर आदि के टेंडर चाहितों को स्वयं मौके पर जारी कर रही है। यही नहीं, इस कार्य के लिए बीडीओ कम रेट को अपने आप अधिक कर चाहितों को टेंडर दे रही है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बीडीओ स्वारघाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीडीओ पंचायतों में जाकर प्रधानों को डरा धमका रहे हैं और रेत बजरी पत्थर मिक्सचर शटरिंग आदि के टेंडर चहेतों को स्वयं मौके पर जारी कर रहे हैं। यही नहीं, इस कार्य के लिए बीडीओ कम रेट को अपने आप अधिक कर चहेतों को टेंडर दे रही हैं। इस संबंध में रामलाल ठाकुर ने ग्राम पंचायत लहड़ी में बीडीओ द्वारा टेंडर पर की गई ओवरराइटिंग कर किसी दूसरे व्यक्ति को करीब 1,000 रुपए अधिक रेत का टेंडर चहेतों को जारी कर दिया है। रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जहां आरोप लगाए, वहीं इस पर दस्तावेज जारी किए जिसमें बीडीओ के हस्ताक्षर हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ग्राम पंचायत लहड़ी में 7 तारीख को टेंडर ओपन हुए, लेकिन बीडीओ ने सभी टेंडर अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद उन्होंने 10 तारीख को स्वयं पंचायत पहुंचकर टेंडर जारी कर उस पर अपने हस्ताक्षर किए, जबकि नियमानुसार टेंडर जारी करना पंचायत प्रधान और सचिव का काम है। उन्होंने कहा कि बीडीओ ने अपने चहेतों को काम देने के लिए सुखदेव के, जिसमें 1950 रुपए रेत की ट्रॉली का टेंडर भरा गया था, अपने पेन से 2950 कर दिया, जिसके बाद टेंडर मदन लाल को 1900 रुपए प्रति रेट ट्रॉली पर दे दिया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उक्त बीडीओ पूर्व में भी स्वारघाट में वित्तीय अनियमितताओं के चलते चार्जशीट हुई थी, लेकिन उसके बाद अब फिर से स्वारघाट में बीडीओ लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त बीडीओ अब सेवानिवृत्त होने वाली है, लेकिन वह सेवा विस्तार चाह रही है, जिसको लेकर वे भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए भाजपा संबंधित ठेकेदारों को काम देने के लिए हर पंचायत में स्वयं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो भाजपा भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करती है, लेकिन ऐसे में अधिकारियों की नियुक्ति से साफ है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोर्ट के माध्यम से उक्त अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार और खासकर नई जो सरकार दिल्ली में बनी है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं